हाँ दोस्तों, पूजा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हरीश एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों, देखिए हमारा जो गूगल एडसेंस पिन है अप्लाई किया था वो हमारे एड्रेस तक पहुँच गया। आप लोग के प्यार दुलार से देखिए हमारा गूगल एडसेंस जो पिन है वो हमारे एड्रेस पे कल शाम में पहुँच गया है। थैंक्स फॉर सपोर्ट दोस्तों। और मैं फर्स्ट टाइम जो है फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अगर कुछ गलत बनता है तो सॉरी इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कट करने का यहाँ पे ऊपर जो मार्क दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से आप इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव साइड इग फर्स्ट, इसको काटेंगे यहाँ से। इसको सिंपली जो यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है उसी तरह से यहाँ से काटेंगे। यहाँ पे कट का निशान दिया हुआ है, सिंपली आपको यहाँ से कट करना है इसको। देखिए कट कर लिया, आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है ओपन हो चुका है। इधर से भी कट कर लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया गया है रिमूव करने का, तो यहाँ से भी हम इसको फाड़ लेंगे। यहाँ से फोल्ड करके दिया गया है, यहाँ से इसको फाड़ लेंगे हम। देखिए फट गया, ये हो गया। अब देखिए इस तरह से यहाँ से आ गया, इस तरह आपका इस तरह से दिखेगा, देख रहे हैं। और यहाँ पे पिन जो होता है, इस साइड हमारा जो है पिन है, पिन दिया गया है, यहाँ पे पिन होता है। और यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता है स्टेप वन में आपको कैसे साइन इन करना है गूगल एडसेंस अकाउंट में। साइन इन करने के बाद आपको स्टेप टू में क्लिक गियर आइकन एंड सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शंस पे जाना है। और उसके बाद स्टेप थ्री जो होता है इन लेफ्ट नेविगेशन बार में क्लिक के अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, देन क्लिक वेरीफाई एड्रेस। और स्टेप फोर में जो होता है अपना गूगल एडसेंस पिन जो है वो 6 डिजिट का जो पिन है वो डालने के बाद सिंपली सबमिट पिन पे क्लिक करना होता है। चलिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसेस जो है इसकी आपको करके बताते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद हम फिर एड्रेस जो पिन के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो हमारा जो पिन आता है उसको फिर सबमिट करके हम आगे का प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहाँ डिटेल्स आगे की प्रोसेस जो है वो आपको करके बताते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया गूगल एडसेंस में, अब हमें पिन यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैसेज दिख रहा है, योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। यहाँ पे आप जाएंगे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, तो एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नया इंटरफेस इस तरह से ओपन होगा। देखिए पहले जब हम गूगल एडसेंस जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज होने के बाद हमने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, गूगल एडसेंस पिन जो है भेजने का वो कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा जो पिन है अबाउट जो हमारा पिन जो है लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने में हमारा पहुंचा है। एक्चुअली ऐसे 21 दिन के अंदर में पहुंच जाता है, मगर मेरा जो पिन है वो कुछ लेट आया है। और यहाँ पे फिर एड्रेस वेरिफिकेशन का जो पिन है वो आपके घर पर पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंटर द पिन वी मेल टू योर बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे जो 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन है वो सिंपली डाल के जो है अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कंप्लीट अगर ये हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारा बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन भी हमें मिल जाती है, जहाँ से आप बैंक अकाउंट पूरी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करने के बाद जब फिर हमारा $100 होते हैं तो वो हमारे डायरेक्टली अकाउंट्स में पेमेंट आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों जो हमें जो है गूगल एडसेंस में करने होते हैं। उसके बाद हमारी प्रक्रिया इंड हो जाती है, बैंक अकाउंट एंड करने के बाद जो है डायरेक्टली फिर हमारा जो पेमेंट है वो आने लगती है अकाउंट्स में। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा पिन आया है इसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ से बढ़िया से देखिए यहाँ पे 3 अटेम्प्ट ही आपको मिलती है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है यू हैव 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, मतलब 3 बार अगर आप गलत डाल देते हैं पिन तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पिन को एक बार बढ़िया से चेक कर ले, मिलान कर ले, उसके बाद सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है, देखिए एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो गया। आइडेंटिटी पहले से वेरिफिकेशन है, उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड यहाँ पे मैसेज शो कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो ये जो वेरिफिकेशन रेड मार्क्स में है वो खत्म हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश कर दी है,
ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे जो टिक मार्क एक्शन का था वो खत्म हो गया। अब देखिए इसमें अकाउंट्स का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं देख लेते हैं, अकाउंट्स ऐड करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलता है तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं अकाउंट। एडसेंस फोर यहाँ पे जाएंगे, इतना डॉलर है। उसके बाद पेमेंट्स में जाएंगे, देख लेते हैं और क्या क्या इसमें हमें डालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे ऐड ए पेमेंट मेथड टू रिव्यू योर अर्निंग, यहाँ पे अकाउंट ऐड करने का भी हमें ऑप्शन मिल गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे $19 हुआ है अभी हमारा, और 100 जो है $100 पे यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पेमेंट है अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे आ गया। बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल है, यहाँ पे नेम ऑफ बैंक का अकाउंट का नाम डालेंगे, बैंक नेम डालेंगे और यहाँ पे IFSC कोड, यहाँ पे स्विफ्ट कोड और अकाउंट नंबर, रीटाइप अकाउंट नंबर डाल के आपको सेव कर लेना है। जो अकाउंट आप डालेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कैसे हम अकाउंट जो है ऐड करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें। अगेन थैंक्स दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा जो पिन से गूगल एडसेंस पिन आ गया है, तो थैंक्स ऑफ लॉट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।